नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि दुर्गा उत्सव के आयोजन को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग रखी गई, जिसमें भोपाल जिला प्रशासन और नगर निगम हेल्थ ऑफिसर के साथ साथ नगर सुरक्षा समिति के लोग एवं दुर्गा उत्सव समिति के लोग मौजूद रहे। तो वहीं आगामी दिनों में नवरात्रि पर्व, ईद, मिलादुन्नबी, दशहरा और अन्य त्योहारों के आयोजन राजधानी भोपाल में होना है, जिसकी सुरक्षा के मद्देनजर इस मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के विषय पर खासा ध्यान दिया गया। तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए भोपाल पुलिस आयुक्त मकरंद देउस्कर ने बताया है कि आगामी दिनों में नवरात्रि पर्व, ईद उल मिलादुन्नबी, दशहरा पर्व जैसे आयोजन किए जाएंगे, इसलिए हमारे द्वारा जिला प्रशासन, दुर्गा उत्सव समिति के लोगों के साथ और अन्य समितियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तो वहीं उन्होंने कहा कि इसी दौरान गरबे का भी आयोजन होना है, उसकी सुरक्षा के मद्देनजर आयोजनकर्ता एवं स्थानीय थाने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएंगी, जिसके मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को आदेश दे दिए गए हैं। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। नवरात्र आने वाला है, सामने पर्व है, बैठक बुलाई गई थी हाई लेवल पूरा। आज सभी आयोजक गण और सभी पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के, नगर निगम के और विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और जो भी मुद्दे थे, आयोजकों के जो मुद्दे थे, जो विभागों के मुद्दे थे, उन पर चर्चा की गई है और उस पे आगामी त्योहारों में जो नवरात्र हो गया, दशहरा हो गया, मिलादुन्नबी हो गई, उसको मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई करने के संबंध में निर्णय लिए गए। क्या निर्णय लिए गए हैं? यदि कुछ शहर में अभी जो जिस तरह से पकड़ाए जा रहे हैं, PFI के पकड़ाए, इससे पहले GMB के, इसको लेकर कोई इनपुट है पुलिस के पास? देखिए, इसमें जो है, इसको लेकर के ये प्योरली जो आसूचना विभाग का, जो हमारा जो आसूचना विभाग है, उस पर लगातार काम कर रहा है और ये जो बैठक थी, ये उसमें इस पर चर्चा नहीं हुई है, ना उसका ये फोरम है। उसके लिए पुलिस लगातार सक्रिय है और सक्षम स्तर पर से लगातार कार्रवाई हो रही है। गरबे खेलने जाएंगे सर, इस दौरान लड़कियों को लेकर बड़े इशू आते हैं, छेड़छाड़ के मामलों को लेकर, तो कुछ इस तरह का कुछ आइडेंटिटी वगैरह कुछ पूछताछ की जाएगी जो वहाँ पर जाएंगे, या पुलिस बल कितना मौजूद रहेगा उस पर? देखिए, इसमें सभी आयोजकों के साथ मिलकर के स्थानीय थाना प्रभारी उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।